उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर प्रथम चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में मतदान के लिए निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों पर प्रशासन के द्वारा तैयारी की जा रही है, जिसके तहत रुद्रपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी उदयराज सिंह ने किच्छा रोड स्थित स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान SSP ने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए तैनात फोर्स को निर्वाचन ड्यूटी में मेहनत और लगन से जुटने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि 18 अप्रैल को बागवाड़ा मंडी से पोलिंग पार्टियां कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हो जाएगी और 19 अप्रैल सुबह से मतदान शुरू हो जाएगा। ऐसे में सभी तैयारियां जिला प्रशासन के द्वारा चुनाव संबंधित पूरी कर ली गई है। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। देखिए, चुनाव D-72 में आ गए हैं। अभी जो है, अभी हमारा तैयारियां लगभग पूर्ण है, तो अभी बस एक चीज इम्पोर्टेंट रहता है कि जो ECI का चेकलिस्ट होता है 72 आवर्स के पहले, 48 के पहले, 24 आवर के पहले, उस चेकलिस्ट के अनुसार हम काम कर रहे हैं। आज संयुक्त रूप से स्ट्रांग रूम परिसर का निरीक्षण किया हमने, और उस दिन कैसे चेकिंग फ्रिस्किंग होगा, पोलिंग पार्टियां कहाँ रहेंगे, कहाँ व्यवस्थापित होंगे और कहाँ से मोबिलाइज होंगे, ये सब चीज़ें हम आज निरीक्षण कर रहे हैं। छोटी छोटी जो माइन्यूट ट्विकिंग्स होता है ना, जो वो चीज़ों का हमने जायजा लिया। स्ट्रांग रूम का भी निरीक्षण किया गया है, प्लस जो डिस्पैच के लिए हमारे काउंटर बनाए गए हैं विधानसभावार, उनका निरीक्षण किया गया। ये देखा गया है कि जो कर्मचारी 18 तारीख की सुबह आएंगे, उनको सुविधा अनुसार वो अपने विधानसभा में पहुंच सकें, और उसके लिए रास्ते जो हैं वो आइडेंटिफाई कर दिए जाएं, जिससे कार्मिक को कहीं भटकना न पड़े, भीड़ एक जगह इकट्ठा न हो, ये सब व्यवस्थाएँ देखी जा रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कप्तान साहब इसको देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या फ्रिस्किंग के लिए कितने काउंटर बनाए जाएं और सारी चीज़ें, तो उस तरह से जो व्यवस्था है अब वो अंतिम दौर में है तैयारी, और सेक्टर मजिस्ट्रेट की गाड़ियाँ कहाँ खड़ी होंगी, प्लस जो है हमारे जो नोडल ऑफिसर्स हैं उनके व्हीकल्स कहाँ खड़े होंगे, बसेज कहाँ पर हैं, आप लोगों को पता ही होगा राधा स्वामी में 10 बसें यहाँ से चलाई जाएंगी, यहाँ बैठेंगे राधा स्वामी पहुँच जाएंगे अपने विधानसभा वार वो करेंगे। एक चीज़ और आपने देखा होगा कि हर विधानसभा के लिए हम लोगों ने कलर कोडिंग की व्यवस्था की है, तो जो कार्मिक आएंगे वो अपने विधानसभा को पहचानने में उनको दिक्कत नहीं जाएगी। आपने देखा होगा अभी तो हमारे 9 विधानसभा यहाँ पर हैं, 9 के लिए अलग अलग कलर में, जो डिस्पैच सेंटर पर जो स्टाफ रहेगा वो भी उसी कलर की टी शर्ट पहने रहेगा।